हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज मुस्लिम लॉ में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है गिफ्ट यानी हीबा। अब देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सी हेडिंग्स इस टॉपिक में कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ गिफ्ट, सेकेंड इज द एसेंशियल्स ऑफ गिफ्ट, सेकेंड इज द एसेंशियल्स ऑफ गिफ्ट, थर्ड इज टाइप्स ऑफ गिफ्ट एंड लास्ट इज रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ गिफ्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गिफ्ट, कि गिफ्ट का क्या मतलब होता है। गिफ्ट मीन्स एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन विदाउट एनी कंसिडरेशन एंड इन्वॉल्व्स ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन। तो गिफ्ट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन का मीन्स इट इज़ ग्रैटिट्यूस ट्रांसफर। दिस मीन्स दैट जो सामने वाला व्यक्ति है वो गिफ्ट के रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा है। तो इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहाँ दो पार्टीज इन्वॉल्व है, अकम्पनीड बाय ऑफर जिसको इजब कहते हैं, एक्सेप्टेंस मीन्स कबूल एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन दैट इज कब्जा। तो ये तीनों फॉर्मेलिटीज़ हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। सेकेंडली यहाँ पर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, द पर्सन हु मेक्स द गिफ्ट उसको डोनर कहते हैं एंड द पर्सन इन हुज फेवर गिफ्ट इज मेड उसको डोनी कहते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मीनिंग ऑफ गिफ्ट। सो लेट्स लुक एट द एसेंशियल्स ऑफ गिफ्ट। क्या क्या एसेंशियल्स रिक्वायर्ड हैं इन ऑर्डर टू मेक अ वैलिड गिफ्ट। फर्स्ट इज पार्टीज, कौन सी पार्टीज कॉम्पिटेंट है ये इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट के द्वारा कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग गिफ्ट में दे सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। थर्ड है एक्सटेंट ऑफ गिफ्ट, कितनी तक की प्रॉपर्टी हम लोग गिफ्ट में दे सकते हैं, इसमें एक्सटेंट में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट इज फॉर्मेलिटीज, व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक अ वैलिड गिफ्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टीज हु आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अ गिफ्ट। तो एसेंशियल्स ऑफ गिफ्ट में पहला एसेंशियल जो है वो है पार्टीज। पार्टीज कौन हो सकती हैं गिफ्ट में और उनकी क्या कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड है। तो दो पार्टीज होती हैं गिफ्ट में, पहली है डोनर एंड सेकेंड इज डोनी। डोनर इज द पर्सन हु मेक्स द गिफ्ट, जो गिफ्ट बना रहा है, जो गिफ्ट दे रहा है वो डोनर। डोनी जिसके फेवर में गिफ्ट बनाया या दिया गया है। अब डोनर का क्या क्वालिफिकेशंस या कॉम्पिटेंसी है ये है इसमें। फर्स्ट एज ऑफ मेजॉरिटी, जो डोनर है जो गिफ्ट दे रहा है वो एज ऑफ मेजॉरिटी 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। सेकेंड वो साउंड माइंड का होना चाहिए। थर्ड वो मुस्लिम होना चाहिए। फोर्थ इज फ्री कंसेंट से वो अपना गिफ्ट दे रहा हो दूसरे को। और लास्ट है ही शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी विच ही इज गिफ्टिंग। तो ये कॉम्पिटेंसी है जो एक डोनर की, जो पर्सन गिफ्ट बना रहा है उसकी होनी चाहिए। फाइव एसेंशियल आर रिक्वायर्ड। डोनी का क्या एसेंशियल्स है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी कॉम्पिटेंसी का। डोनी कैन बी एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो कि माइनर हो सकता है, इंसेन हो सकता है, नॉन मुस्लिम, वो डोनी हो सकता है। ओनली कंडीशन या ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट ही मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द गिफ्ट। जब डोनर गिफ्ट बना रहा है डोनी के फेवर में तो ये पर्सन जो है एग्जिस्टेंस में होना चाहिए और नेचुरल या ज्यूरिस्टिक पर्सन भी हो सकता है डोनी। अब क्वेश्चन अगर अराइज होता है कि क्या नॉन एग्जिस्टेंस पर्सन डोनी हो सकता है कि नहीं या फिर अनबॉर्न पर्सन हो सकता है कि नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, एग्जिस्टेंस में उसको होना चाहिए। और नॉन एग्जिस्टेंस पर्सन या फिर अनबॉर्न पर्सन नहीं हो सकता है, लाइफ इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं जैसा कि TPA में दिया है सेक्शन 13 में। क्योंकि जो TPA का सेक्शन 129 है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 129, ये कहता है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में गिफ्ट का चैप्टर दिया है चैप्टर 7, वो वाला चैप्टर मुस्लिम लॉ में नहीं लगेगा। मुस्लिम लॉ में जो गिफ्ट का पूरा प्रोविजन है वो उनके पर्सनल लॉ से ही गवर्न करेगा और उसमें TPA के गिफ्ट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे। तो सेक्शन 129 में एक्सक्लूड कर दिया गया है मुस्लिम लॉ को, और मुस्लिम लॉ में जो भी गिफ्ट का पूरा प्रोविजन और प्रोसीजर दिया है वो उनके पर्सनल लॉ से ही गवर्न होगा। तो हम लोग ने ये देखी कॉम्पिटेंसी ऑफ डोनर एंड डोनी। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड एसेंशियल है सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट, कौन सी प्रॉपर्टी एक मुस्लिम गिफ्ट में दे सकता है। तो इसका आंसर है कि एनी प्रॉपर्टी ओवर विच ही कैन एक्सरसाइज प्रोप्राइटरी राइट, तो उसको गिफ्ट कर सकता है। इसमें कोई भी प्रॉपर्टी आ जाएगी, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इंटैंजिबल। टैंजिबल मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो विच वी कैन सी एंड टच, इंटैंजिबल में ऐसी प्रॉपर्टी जो हम लोग टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब अगर हम लोग देखें तो गिफ्ट दो तरह से दिया जा सकता है। अगर हमने एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे दिया है सामने वाले को, अगर डोनर ने अपनी प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है डोनी को, तो उसको हीबा कहते हैं। हीबा में हम लोग पूरी जो ओनरशिप अपनी प्रॉपर्टी की है दूसरे पर्सन को दे दे रहे हैं और ये अनकंडीशनल होता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन नहीं लगाते, इसको हीबा कहते हैं।
अरियत दूसरे प्रकार की होती है, अगर हम लोग लिमिटेड इंटरेस्ट अपनी प्रॉपर्टी में सामने वाले को गिफ्ट कर रहे हैं, पूरा इंटरेस्ट नहीं, एक उसका पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट अगर हम लोग गिफ्ट कर रहे हैं तो उसको अरियत कहते हैं। जैसे कि हमने कह दिया कि डोनी विल हैव द राइट टू एंजॉय द इनकम अराइजिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो लिमिटेड इंटरेस्ट, हमने पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं कर दी, हमने बस एक लिमिटेड इंटरेस्ट उसको दे दिया, तो उसको अरियत कहते हैं। इसमें कंडीशनल भी हो सकता है, ये एब्सोल्यूट नहीं होता, इसमें कंडीशंस भी लगा सकता है डोनर। तो हम लोग ने देखा सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट, इट कैन बी एनी प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इनटैंजिबल। फिर हम लोग ने हीबा और अरियत देखा, हीबा में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज ओनरशिप एंड इट इज अनकंडीशनल। अरियत कंडीशनल होता है, वेयर वी ट्रांसफर लिमिटेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। थर्ड एसेंशियल है विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ वैलिड गिफ्ट इज एक्सटेंट। एक्सटेंट मीन्स यहाँ पर है कि कितनी प्रॉपर्टी एक मुस्लिम दूसरे को गिफ्ट कर सकता है। हम लोगों ने विल में पढ़ा था कि 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी दे सकता है, बट गिफ्ट में ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है। एक डोनर डोनी को अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे सकता है, ही कैन गिफ्ट होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी। सेकेंडली, देर इज नो लिमिटेशन एज टू क्वांटम, क्वांटम में या क्वांटिटी में कि कितनी क्वांटिटी दे सकता है कितनी नहीं, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं, वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी चाहे तो डोनी को दे सकता है। सेकेंड एक तो कॉन्सेप्ट है गिफ्ट ऑन डेथ बेड, अगर कोई डोनर है जो डेथ बेड में है, मीन्स एकदम मरने की स्थिति में है, और उस समय वो अगर गिफ्ट दे रहा है सामने वाले को, उसको उर्दू में कहते हैं मर्ज उल मौत। तो ये ऐसा गिफ्ट है जो डोनर इज मेकिंग ऑन हिज डेथ बेड। अब इस गिफ्ट में लिमिटेशन, ये ऐसा पर्टिकुलर टाइप ऑफ गिफ्ट है जिसमें थोड़ी लिमिटेशन एज टू क्वांटम है। इसमें क्या है कि ओनली 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी कैन बी गिफ्टेड। अगर कोई डोनर है जो कि अपने डेथ बेड पे है, ही वांट्स टू गिफ्ट अ प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन, देन ही कैन गिफ्ट ओनली 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी। वो अपनी 1/3 प्रॉपर्टी ही दे सकता है, एंड दैट टू नॉट टू हिज लीगल हेयर, वो अपने लीगल हेयर, अपने लीगल वारिस को वो प्रॉपर्टी नहीं दे सकता है। तो ये हम लोगों ने देखा एक्सटेंट ऑफ द गिफ्ट, कितनी प्रॉपर्टी वो दे सकता है, तो वो होल ऑफ द प्रॉपर्टी दे सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है एज टू क्वांटम या फिर कितनी क्वांटिटी। बट अगर एक तो गिफ्ट ऑन डेथ बेड वो दे रहा है या फिर मर्जुल मौत वो दे रहा है, मीन्स एट द टाइम ऑफ हिज डेथ वो गिफ्ट दे रहा है, तो 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी ही दे सकता है उस समय, और अपने लीगल हेयर को नहीं दे सकता। फोर्थ एसेंशियल इन ऑर्डर टू मेक अ वैलिड गिफ्ट आर द फॉर्मैलिटीज। क्या क्या फॉर्मैलिटीज रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू मेक अ वैलिड गिफ्ट? तो यहाँ तीन फॉर्मैलिटीज हैं जो तीन हेड्स में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ऑफर, जिसको इजब कहते हैं। सेकेंड इज एक्सेप्टेंस, जिसको कबूल कहते हैं। और लास्ट इज डिलीवरी ऑफ पोजेशन, जिसको कहते हैं कब्जा। ये तीनों फॉर्मैलिटीज रिक्वायर्ड है और ये तीनों कंप्लीट होनी चाहिए, तभी एक वैलिड या कंप्लीट गिफ्ट बनता है। ऑफर, ऑफर का मतलब है कि जो डोनर है जिसने गिफ्ट बनाया है उसके तरफ से ऑफर होना चाहिए, एक क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए उसके इंटेंशन का, क्या कि वो अपनी प्रॉपर्टी डोनी को देना चाहता है। ही शुड मेक अ स्पेसिफिक डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग हिज इंटेंशन दैट ही वांट्स टू गिफ्ट हिज प्रॉपर्टी टू द डोनी, ही वांट्स टू डाइवेस्ट हिमसेल्फ ऑफ दैट इंटरेस्ट एंड ही वांट टू गिव दैट इंटरेस्ट टू डोनी। तो ये ऑफर होता है। सेकेंड इज एक्सेप्टेंस, जितना ही इंपॉर्टेंट ऑफर है उतना ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेंस है, डोनी के द्वारा एक्सेप्टेंस किया जाना चाहिए गिफ्ट को। अगर गिफ्ट का एक्सेप्टेंस नहीं होता तो गिफ्ट कंप्लीट नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। अब अगर डोनी इनकम्पिटेंट है, मींस अगर डोनी ऐसा व्यक्ति है जो 18 साल से ऊपर नहीं है, वो कम एज का है, या फिर वो साउंड माइंड नहीं है, वो अनसाउंड माइंड का है, देन इस केस में उसके गार्जियन द्वारा एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस डोनी के द्वारा होना बहुत ज़रूरी है। अगर डोनी इनकम्पिटेंट है तो उसके गार्जियन एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, जिसको कबूल कहते हैं। लास्ट इज डिलीवरी ऑफ पोजेशन, जो गिफ्ट डोनर के द्वारा डोनी को दिया जा रहा है उसका डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी बहुत ज़रूरी है, जिसको कहते हैं कब्जा। मीन्स डोनर से उसकी डिलीवरी होनी चाहिए ऑफ द पोजेशन टू द डोनी। अब अगर डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं होता है तो उस गिफ्ट का जो टाइटल है वो डोनी पर पास नहीं होगा और वो गिफ्ट इनकम्प्लीट गिफ्ट रह जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी किया जाना चाहिए डोनर से डोनी को। अब डिलीवरी ऑफ पोजेशन को हम लोग दो हेड्स में और पढ़ते हैं कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन अलग अलग प्रॉपर्टी का कैसे होगा। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कि उसको अगर मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ऐसी प्रॉपर्टी है, तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन तुरंत हो जाएगा उसी वक्त पे, जैसे ही डोनर ने डोनी के हाथ में वो प्रॉपर्टी पकड़ाई वैसे ही डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे लैंड है, थिंग्स विच कैन नॉट मूव, ऐसी प्रॉपर्टी, तो उनका डिलीवरी ऑफ पोजेशन कैसे होगा? उनके डिलीवरी ऑफ पोजेशन के लिए एक टेस्ट है जिसको कहते हैं बेनिफिट टेस्ट। इसमें क्या होगा कि जिस दिन से डोनी को उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट मिलने लगेगा उस दिन मान लिया जाएगा कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन कंप्लीट हो गया है। तो ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग है। मूवेबल प्रॉपर्टी में जिस दिन हमने उसको हाथ में पोजेशन दे दिया उस दिन से गिफ्ट कंप्लीट माना जाएगा। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिस दिन से उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलने लगेगा उस दिन से माना जाएगा कि गिफ्ट का डिलीवरी ऑफ पोजेशन कंप्लीट हो गया। तो ये तीनों फॉर्मेलिटीज थी फॉर मेकिंग अ वैलिड गिफ्ट।
नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ गिफ्ट, कितने प्रकार के गिफ्ट होते हैं। तो गिफ्ट होते हैं 3 काइंड्स के। फर्स्ट इज हीबा, सेकेंड इज हीबा बिल इवज, थर्ड इज हीबा बा शर्तुले इवज। ये 3 तरह के गिफ्ट हैं, जिसमें से ये वाला और ये वाला हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हीबा का मतलब अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं, हीबा इज गिफ्ट प्योर एंड सिंपल, जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया, मीन्स ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्रॉम डोनर टू द डोनी एंड इट इन्वॉल्व्स ऑफर एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा गिफ्ट की डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स देखे, वो सब हीबा में लग जाएगा। इट इज़ गिफ्ट प्योर एंड सिंपल, इसमें कुछ डिस्कशन वाला नहीं है, हम लोग अभी तक पढ़ ही लिए है पूरा। सेकेंड है जो हीबा बिल इवज, इसको कह सकते हैं गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन। एंड लास्ट इज हीबा बा शर्तुले इवज, इट इज़ गिफ्ट विद एनी कंडीशन फॉर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। अब ये दोनों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग वेरियस टाइप्स ऑफ गिफ्ट एंड हम लोग ने डिस्कस किया दैट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ गिफ्ट, हीबा, हीबा बिल इवज एंड हीबा बा शर्तुले इवज। तो हीबा हम लोग ने देखा, जो अभी तक हम लोग डिस्कस करते आए थे, इट्स गिफ्ट प्योर एंड सिंपल। अब जो सेकेंड है हीबा बिल इवज, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हीबा बिल इवज को हम लोग कह सकते हैं गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन। इवज का यहाँ मतलब है कंसिडरेशन, हीबा मीन्स गिफ्ट, इट इज़ गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन। जनरली गिफ्ट जो होता है इट इज़ विदाउट एनी कंसिडरेशन, मीन्स डोनी को कुछ देना नहीं होता है डोनर को गिफ्ट लेने के बाद। पर ये जो हीबा बिल इवज है इट इज़ गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन। इसमें क्या होता है कि डोनर जो है, पर्सन हु इज़ मेकिंग द गिफ्ट, ही गिव समथिंग टू द डोनी। डोनर ने गिफ्ट किया डोनी को, अब डोनी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि इस गिफ्ट के इवज में या फिर इस गिफ्ट के ल्यू में ही शुड गिफ्ट समथिंग टू द डोनर ऑल्सो। फिर से डोनर ने एक गिफ्ट किया डोनी को और डोनी के अंदर ऊपर ये ड्यूटी है या ऑब्लिगेशन है कि वो ये जो गिफ्ट उसको मिल रहा है उसके इवज में, उसके ल्यू में ही शुड ऑल्सो गिफ्ट समथिंग टू द डोनर। तो इसी में, इसीलिए इसको कहते हैं गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन, बिकॉज इसमें डोनर को भी गिफ्ट देने के बाद कुछ मिल रहा है, इसी वजह से कहते हैं हीबा बिल इवज। अब इन lieu of this gift, डोनी is gifting something to the donor. अब ये something क्या हो सकता है, ये something कुछ भी हो सकता है। डोनी चाहे तो इस गिफ्ट के एवज में उसको दूसरा गिफ्ट दे दे, कोई प्रॉपर्टी दे दे, या फिर डोनी चाहे तो इस गिफ्ट के एवज में उसको मनी दे दे। अगर वो मनी देता है तो ये ट्रांजैक्शन सेल बन जाता है, क्योंकि सेल में क्या होता है, आप प्रॉपर्टी दे के मनी देते हो, तो ये सेल बन जाता है। अगर जैसे सेल बन जाता है तो इसमें जो TPA के सेल के प्रोविजन है वो अप्लाई करते हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई नहीं करेगा। अगर डोनी ने मनी ना देकर डोनी ने कोई प्रॉपर्टी दे दी है तो ये ट्रांजैक्शन एक्सचेंज बन जाएगा और TPA के एक्सचेंज के प्रोविजंस लगेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई नहीं होगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। ए मेक्स अ गिफ्ट ऑफ हिज हाउस टू बी, ए ने अपने घर का गिफ्ट कर दिया बी को। अब बी ने इस गिफ्ट के इवज में, इस गिफ्ट के ल्यू में ही गिफ्ट्स कार टू ए। ए ने अपना घर दिया और बी ने उसको अपनी कार दे दी, तो ये इट इज़ अ ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ एक्सचेंज, और एक्सचेंज के प्रोविजंस जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिए हैं वो लगेंगे और ये हो जाएगा हीबा बिल इवज। जो थर्ड कैटेगरी ऑफ गिफ्ट है इज हीबा बा शर्तुले इवज। ये ऐसा गिफ्ट है विच इज़ मेड विद अ कंडीशन ऑफ गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। डोनर डोनी को गिफ्ट कर रहा है इसलिए ये कंडीशन लगाकर कि डोनी भी फ्यूचर में डोनर को कुछ देगा, तो ये है हीबा बा शर्तुले इवज। इसमें 2 इंडिपेंडेंट गिफ्ट्स होते हैं। अब कैसे इसका प्रोसेस हम लोग समझते हैं। डोनर मतलब जो गिफ्ट बना रहा है वो समथिंग देता है, कुछ देता है डोनी को। सबसे पहला ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट गिफ्ट हो गया, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट गिफ्ट हो गया वेयर डोनर इज गिफ्टिंग समथिंग टू द डोनी। अब डोनर ये गिफ्ट करता है एंड ही पुट्स अ कंडीशन कि डोनी मैं तुमको अभी गिफ्ट कर रहा हूँ बट फ्यूचर में तुम भी मुझको कुछ गिफ्ट देना, इसलिए क्योंकि मैंने अभी तुमको दिया है। तो डोनर मेक्स अ कंडीशन दैट डोनी विल गिफ्ट समथिंग इन फ्यूचर टू द डोनर। तो सबसे पहले डोनर गिफ्ट कर रहा है डोनी को और ये कंडीशन लगा देता है कि मैं अभी तुमको दे रहा हूँ, फ्यूचर में तुम मुझको एक गिफ्ट देना। ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट गिफ्ट। अब सेकंड इंडिपेंडेंट गिफ्ट है डोनी गिफ्ट समथिंग टू डोनर। इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए अब डोनी भी गिफ्ट करता है डोनर को, कुछ देता है, तो ये सेकेंड इंडिपेंडेंट गिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। तो डोनी गिफ्ट करता है, इट इज़ बीइंग मेड ड्यू टू द कंडीशन पुट बाय डोनर। ऊपर की जो कंडीशन डोनर लगा दी थी उसी को फुलफिल करने के लिए डोनी भी अब फ्यूचर में डोनर को कुछ देता है। अगर यहाँ डोनी नहीं देता है कुछ, ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, तो डोनर यहाँ पर पहले वाले गिफ्ट को रिवोक कर सकता है और वापस मांग सकता है। तो यही है हीबा बा शर्तुले इवज। इसमें 2 इंडिपेंडेंट गिफ्ट हो रहे हैं। फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम द डोनर टू द डोनी विद द कंडीशन दैट डोनी शुड गिफ्ट समथिंग इन रिटर्न टू द डोनर इन अ फ्यूचर डेट, एट अ फ्यूचर डेट।
फिर डोनी उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए फ्यूचर में फिर से डोनर को भी कोई दूसरा गिफ्ट देता है। अगर यहाँ पर ये नहीं देता तो डोनर कैन रिवोक द गिफ्ट। तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है, इट इज इन द नेचर ऑफ गिफ्ट, दो इंडिपेंडेंट गिफ्ट, दो इंडिपेंडेंट हिबा यहाँ पर हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर TPA नहीं अप्लाई होगा। यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो भी प्रोविजंस और रूल्स हैं वही अप्लाई होंगे। तो ये हम लोग ने देखा हिबा बा शर्तुल इवज। आखिरी टॉपिक जो हम लोग गिफ्ट में देखने वाले हैं इज रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट को रिवोक कब किया जा सकता है एक डोनर के द्वारा, तो इसको दो हेडिंग्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजेशन एंड सेकंड आफ्टर इज डिलीवरी ऑफ पोजेशन। हम लोग ने फॉर्मेलिटीज में पढ़ा था कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है, दे मस्ट बी ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द गुड्स जो गिफ्ट किया है। तो अगर डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं हुई है, जब तक हमने गिफ्ट जो किया है सामने वाले को दिया नहीं है, उसको डिलीवर नहीं किया है पोजेशन ऑफ द गिफ्ट, तब तक गिफ्ट जो होता है वो इनकम्प्लीट रहता है। और सिंस गिफ्ट इज इनकम्प्लीट देन द डोनर कैन रिवोक द गिफ्ट एनी टाइम बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजेशन। जब तक पोजेशन नहीं दिया है तब तक गिफ्ट इनकम्प्लीट रहता है, तो डोनर कभी भी गिफ्ट रिवोक कर सकता है और वापस मांग सकता है डोनी से गिफ्ट कि हमें वापस चाहिए, तो वो तुरंत कह के बाय मियर डिक्लेरेशन वो तुरंत मांग सकता है उससे गिफ्ट। आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजेशन, अगर हम लोग ने पोजेशन दे दिया है डोनी को, मैंने गिफ्ट किया सामने वाले को एंड आई हैव गिवन द पोजेशन ऑफ द गिफ्ट टू द डोनी, तब कैसे रिवोक कर सकता है। इसमें शिया और सुन्नी में अलग अलग कैटेगराइजेशन दिया हुआ है। शिया लॉ में क्या होता है कि बाय डिक्लेरेशन डोनर को एक डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि आई वॉन्ट टू रिवोक द गिफ्ट विच वी आई हैव गिवन टू यू, और इसमें डोनी की कोई कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं होगी। सिंपली डोनर एक डिक्लेरेशन करेगा कि जो मैंने गिफ्ट दिया है तुमको, जिसका पोजेशन तुमको मिल चुका है, वो मैं रिवोक करना चाहता हूँ। इसमें डोनी की कोई कंसेंट की लेने की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें सिंपल है, तुरंत डिक्लेरेशन करके गिफ्ट रिवोक करके वो वापस मांग सकता है। सुन्नी लॉ में ये बस कंसेंट ऑफ द डोनी या फिर बाय इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट ही हो सकता है, इसमें डिक्लेरेशन से नहीं हो सकता। इसमें हमको पहले डोनी की कंसेंट लेनी पड़ेगी, डोनी जब कंसेंट दे देगा तभी हम रिवोक कर पाएंगे, या फिर कोर्ट इंटरवीन अगर करता है, कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है तभी रिवोक हो सकता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजेशन इन सुन्नी लॉ। तो ये हम लोग देखा रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजेशन। ये सिंपली गिफ्ट इनकम्प्लीट होता है तो डोनर तुरंत मांग सकता है गिफ्ट किसी भी समय। आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजेशन शिया और सुन्नी में हम लोग ने अलग अलग देखा। शिया लॉ में बाय डिक्लेरेशन होगा, सुन्नी लॉ में कंसेंट लेनी पड़ेगी डोनी की या फिर इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट होगा। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड अनदर टॉपिक, दैट वाज गिफ्ट और हिबा अंडर मुस्लिम लॉ। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद अनदर टॉपिक रिलेटिंग टू मुस्लिम लॉ।